हेलो दोस्तों, मेरे YouTube फैमिली को एक चीज के ऊपर काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। वो काफी टाइम से बोल रहे सर इनके ऊपर वीडियो बनाओ, उनके ऊपर कुछ अपडेट नहीं आ रहा था जिसके वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। अच्छा, वो किस चीज के ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोल रहे दोस्तों, इधर मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ। कुछ लोगों ने कमेंट किया, मैंने कुछ गिने चुने के कमेंट ही लिए हैं, सभी के कमेंट नहीं दिखा सकता था वीडियो में क्योंकि काफी कमेंट है। तो दोस्त आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि सर ATKT के स्टूडेंट का क्या होने वाला है, एग्जाम होने वाला है कि नहीं होने वाला है, बैकलॉग के स्टूडेंट का क्या होने वाला है, जो YD स्टूडेंट है उनका क्या होने वाला है, जो रिपीटर स्टूडेंट है उनका क्या होने वाला है, एग्जाम होने वाले हैं हमारे कि एग्जाम नहीं होने वाले हैं, हमें स्टडी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, प्लीज सर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करो। और काफी लोगों ने मुझे कॉल करके पर्सनली पूछा था सर हमारे कॉलेज में ATKT का फॉर्म भरा रहे तो हमको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, सर हम कंफ्यूज है एग्जाम होने वाला है कि नहीं होने वाला, अगर एग्जाम नहीं होने वाला तो हम फॉर्म नहीं भरते, अगर एग्जाम होने वाला है तो हम जाके फॉर्म भरे। तो ये सब प्रॉब्लम जो थे दोस्तों, आज इस वीडियो में वादा करता हूं इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने वाला हूं। लेकिन दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज आप बीच तक ही वीडियो देख के और कमेंट करते हो तो मुझे समझ में आ जाता है कि इस वीडियो को आपने एंड तक नहीं देखा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप एंड तक देखिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में बेल आइकन है उसे दबाइए और वीडियो को लाइक देना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को चालू करते हैं। हेलो दोस्तों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ATKT के स्टूडेंट का क्या होने वाला है, बैकलॉग के स्टूडेंट का क्या होने वाला है, YD के स्टूडेंट का क्या होने वाला है। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि APB माझा न्यूज में ATKT और बैकलॉग के स्टूडेंट के बारे में साफ साफ बताया गया था कि इनके एग्जाम नहीं होने वाले, ATKT बैकलॉग और YD के स्टूडेंट को प्रमोट किया जा रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा था, APB माझा न्यूज में खुद ब खुद आया हुआ था और मैंने इसके रिलेटेड वीडियो भी बनाया था जो आप इधर थंबनेल में भी जाके देख सकते हो मेरे चैनल में, या तो मैं इस वीडियो के एंड में आपको वो दे दूंगा, आप जाके देख लेना इस वीडियो के बाद। देन उसके बाद हमारे UGC का गाइडलाइन आया, क्या पता वो क्या सपना देख रहा था कि सब बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करने की बात कर दी। उन्होंने अपने गाइडलाइन में ये मेंशन किया कि हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट के फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम लेंगे और साथ ही साथ ATKT बैकलॉग के स्टूडेंट को कंपलसरी एग्जाम देना है। इस नोटिस के बाद दोस्तों जो 100% था कि ATKT और बैकलॉग के एग्जाम नहीं होंगे, इस नोटिस के बाद कसम से वो 50-50% पे आ गया कि एग्जाम हो सकते और एग्जाम नहीं हो सकते। लेकिन दोस्तों करंट सिचुएशन में जो प्रॉब्लम चल रही है कि फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम को कैंसिल करना चाहिए, इस बात का पेटीशन बना के हाई कोर्ट में भी सबमिट किया गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी गया है। आपको पता होगा कि युवा सेना ने सुप्रीम कोर्ट तक इस बात को लेके गए। अब ये पूरे सिचुएशन में दोस्तों, ठीक है, ATKT या बैकलॉग या YD या रिपीटर स्टूडेंट के बारे में बात नहीं किया गया, वो पूरे पेटिशन में सिर्फ बात हुआ है तो फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट को लेके बात किया गया है। तो आई थिंक कि जब ये पेटिशन पास होता है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट के एग्जाम कैंसिल होते हैं, अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि 50-50% है, कुछ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कुछ कन्फर्म अभी तक पता नहीं है, उनके डिसीजन होने के बाद शायद फिर आएंगे ATKT और बैकलॉग के स्टूडेंट, और या शायद नहीं भी आ सकते, बिकॉज़ UGC ने गाइडलाइन में एकदम क्लियर मेंशन किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, आशा है उदय सावंत सर इसके ऊपर जरूर एक्शन लेंगे, क्योंकि भाई एकदम कॉमन सी बात है, मेरा ओपिनियन रखता हूं, जब फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट का एग्जाम नहीं ले रहे हो तो क्या ATKT बैकलॉग के स्टूडेंट नहीं है क्या? वो भी तो इंसान है, अगर वो एग्जाम देने जाते तो उनको COVID-19 नहीं होगा, फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट को COVID-19 ना हो इसके लिए एग्जाम कैंसिल किया, तो ATKT और बैकलॉग के स्टूडेंट के भी एग्जाम कैंसिल करो ना, उनको भी COVID-19 ना हो। ये तो दोस्तों मेरा ओपिनियन, और ये ओपिनियन अच्छा लगा तो भाई वीडियो में कमेंट करके बताना कि सर हम आपको सपोर्ट करते हैं, और अगर नहीं अच्छा लगे तो सर हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे इस बात पे। तो जो भी है कमेंट करके बताइए। अब बात करते हैं कि अब जो कॉलेज फॉर्म निकाल रहा है ATKT स्टूडेंट के लिए, तो क्या आपको वो फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? तो अज्यूम करते हैं दोस्तों कि आपने फॉर्म नहीं भरा, अगर आपने फॉर्म फील नहीं किया, अगर एग्जाम कंडक्ट करवा दिया गया तब क्या करोगे?
काफी लोगों ने प्रॉब्लम पूछा था, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा, अगर एग्जाम रख दिया एटीकेटी का, एग्जाम एटीकेटी का होने वाला है, तो भाई आपने फॉर्म नहीं भरा मत, आप एटीकेटी का एग्जाम नहीं दे सकते, तो जो एटीकेटी था वो है, अब बाद में वो क्रॉस एटीकेटी आपको आगे भी मिलेगा। हाँ, अगर एग्जाम नहीं हुआ तो वेल एंड गुड कि आपने फॉर्म नहीं भरा और एग्जाम भी नहीं हुआ, तो इससे बेस्ट है कि आप फॉर्म भर दो। क्यों सर? क्योंकि अगर आप फॉर्म भर भी देते हो, अगर एटीकेटी का एग्जाम कंडक्ट भी करवाया गया तो आपने फॉर्म भरा, आप एग्जाम दे सकते हो। अगर आपके एटीकेटी के एग्जाम कैंसिल हो गए तब तो वेरी गुड भाई, बहुत हैप्पी की बात होगी, मतलब खुशी की बात होगी कि भाई आपने फॉर्म तो भरा है और एटीकेटी का एग्जाम नहीं होने वाला है। हाँ तो सर फॉर्म का पैसा चला गया, कोई बात नहीं, कॉलेज से रिफंड करवा लेना, अगर कुछ नहीं होगी तो उसके बदले में कुछ कॉलेज सब्सिट्यूट देगा, आगे के ईयर में कुछ हेल्प हो जाए। तो आई थिंक कि एटीकेटी के सभी स्टूडेंट को अपने कॉलेज में फॉर्म भर के ही लेना चाहिए, यह मेरा ओपिनियन है। आगे तो आपका डिसीजन है कि करना क्या है, लेकिन मैं तो यही बोलूंगा 100% फॉर्म भर के ले लीजिए। तो दोस्तों आई होप कि आपके मैंने प्रॉब्लम एकदम क्लियर कर दी है। अभी भी शॉर्ट और सिंपल मैं बोल देता हूं कि एटीकेटी के स्टूडेंट से यही है कि आप अपनी स्टडी चालू रखो, बिकॉज 50-50% का अभी भी रेशियो चल रहा है, या तो बोल दो कि 50% से भी थोड़ा कम चांस है, क्योंकि एटीकेटी बैकलॉग के स्टूडेंट के बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहा है, जो बात चल रही है वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट के बारे में बात चल रही है। तो आप अपनी स्टडी चालू रखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।